सिंध के तमाम बड़े शहरों में पीपल्स पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर, हैदराबाद में काशिफ सुमरो और सगीर कुरैशी बिना मुकाबला कामयाब हो गए। सक्खर में अरसलान शेख और डॉक्टर अरशद मुगल ने मैदान मार लिया। मीरपुर खास में अब्दुल रऊफ वारी और जुनैद बुलंद की कामयाबी। लाड़काना में अनवर अली नवाज और मोहम्मद अमीन शेख कामयाब हो गए। सिंध में पीपल्स पार्टी की बड़ी कामयाबी, तमाम बड़े शहरों में मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में काशिफ शोरो मेयर, जबकि सगीर कुरैशी डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए। दोनों के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सक्खर में भी पीपल्स पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर आ गया। अरसलान शेख मेयर और डॉक्टर अरशद मुगल डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए। दोनों बिला मुकाबला कामयाब हुए। अरसलान शेख इससे कबल भी सक्खर के मेयर रह चुके हैं। लाड़काना में भी पीपल्स पार्टी का नाम रहा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अनवर अली नवाज मेयर और मोहम्मद अमीन शेख डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर खास के लिए पीपल्स पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर कामयाब रहे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल रऊफ गौरी और जुनेद बुलंद को 27 वोट मिले। MQM पाकिस्तान के उम्मीदवारों को 4 वोट मिले। बीपुर जो है तूफान के खतरात, कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खम्भों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती है। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खम्भों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और PMT के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और NDMA की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। अवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निमटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।